यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था। और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। बस यहूदी उसके गिर्द जमा हुए। तू कब तक हमारे दिल को डावाडोल रखेगा? अगर तू मसीहा है तो हमसे साफ कह दे। मैंने तो तुमसे कह दिया, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं। लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी बातें सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चली आती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक होंगे। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। मैंने तुमको बाप की तरफ से बेहतर अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? अच्छे काम के सबब के लिए नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं। तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। हाँ, क्या तुम्हारी शरीयत में यह नहीं लिखा कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो? हम जानते हैं कि सहाइफ हमेशा सच कहते हैं और खुदा ने लोगों को खुदा कहा जिनको खुदा का कलाम दिया गया। बाप ने मुझे चुना और दुनिया में भेजा, फिर तुम क्यों कर कहते हो कि मैं कुफ्र बकता हूं? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं कहता हूं कि मैं खुदा का बेटा हूं? अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूं तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर इन कामों का तो यकीन करो, ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। फिर यीशु यर्दन के पार उस जगह चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहां ठहरा रहा। बेहतरे उसके पास आए और कहा, यूहन्ना ने कोई मोजिजा नहीं दिखाया, मगर जो कुछ यूहन्ना ने उसके हक में कहा था वो सच था। और वहां बेहतरे उस पर ईमान लाए।